करते खतरनाक का काम उनकी काफी नुकसान हो रही है। चप्पल थी उनके बाद देख सकते हैं और चप्पल छोड़ छोड़ के लोग भागल बैठे देख सकते बेकाबू करने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये सीओ साहब देखिए खेत में किस तरह से डंडा लेकर के उतर चुके हैं और भीड़ को न्याय दिलाने के लिए कह रहे थे हम अपने न्याय दिलवाने के लिए आए हैं यहाँ पे उनको लाठी चार्ज करके खड़े हैं। फतेहपुर गांव के अभयपुरा टोला में प्रेमचंद यादव के मकान के पास आप देख सकते हैं कि एक तरफ एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे हुए हैं और यहां पर स्थलीय निरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ मैं दिखा दूं प्रेमचंद यादव के मकान के तरफ आप देखिए वो मकान है और मकान के जो रास्ता जाता है भीड़ है, सैकड़ों की भीड़ है, हुजूम उमड़ी है कि न्याय होना चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ की ये देखिए यहाँ पे नीचे जरी गिरी हुई है जो पैमाइश शुरू हो गई यहाँ पे। लेकिन जो उनके समर्थक हैं प्रेमचंद यादव के कुछ सपा के लोग हैं, कुछ अन्य लोग हैं जिनका सीधे सीधे ये है कि जो है उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको नाइंसाफ़ी होगी प्रेमचंद यादव के मकान उनके परिवार के साथ। इसको लेकर पूरा एक हुजूम इकट्ठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ है और नारेबाजी की जा रही है और इसमें कुछ समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के लोग देख रहे कैसे हुटिंग कर रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस लगी है और मामले को नियंत्रण में करने के प्रयास कर रही है।